हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो लास्ट दो वीडियोस आपने देखा होगा, मैंने एक छोटी छोटी 5-5 मिनट्स की वीडियो डाली थी। तो जस्ट एक वो एक मेन टॉपिक से हटके कुछ मैं करना चाह रहा था ताकि आपको भी थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाए, कोई क्विक वीडियो। बाकी तो सारी बड़ी लेंथी वीडियोस डाली हुई है मैंने, तो आई होप उन आपको इंजॉय किया हो। बीच बीच में वो मैं डालता रहूंगा। उन वीडियोस को मैं कोई नंबरिंग नहीं दे रहा, वो सिर्फ ओपन एंडेड उनका टाइटल रखा हुआ है मैंने, तो उनको कोई नंबरिंग नहीं अलॉट करी हुई। नंबरिंग मैंने उन वीडियोस को ही अलॉट करी है जो एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर चल रही है हमारी। तो जो लास्ट लेक्चर, जो दो वीडियोस मैंने छोटी छोटी डाली थी, उससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 55 बनाया था जिसमें आपको सेल्स की प्रोजेक्शंस करनी सिखाई थी। तो आज ये हमारा लेक्चर नंबर 56 है, तो उससे नेक्स्ट लेक्चर है, तो उसके आगे टॉपिक को बढ़ा रहे हैं। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की प्रोजेक्शंस ही करके देखेंगे आपके सामने, कि 2 साल की प्रोजेक्शंस मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रोजेक्शंस हम करेंगे प्रैक्टिकली। तो बड़ा ही इजी और सिंपल वे है। तो इसके अंदर मैं एक चीज आप प्रज्यूम करूंगा कि आपने लास्ट लेक्चर ध्यान से देखा होगा, तो जो सेल्स की प्रोजेक्शंस वाला पार्ट है, जो सेल्स की प्रोजेक्शंस है, उसका मैंने आपको काफी डिटेल में आइडियाज बताए हैं कि सेल्स की प्रोजेक्शंस किस किस तरीके से की जा सकती है प्रीवियस लेक्चर नंबर 55 में। तो आई होप आपने उस वीडियो को देख लिया होगा और समझ लिया होगा कि सेल्स की प्रोजेक्शंस किस बेसिस पे की जा सकती है, क्या बेसिस बनाया जा सकता है उसके लिए। क्योंकि जो आज की वीडियो में मैं प्रॉफिट एंड लॉस की प्रोजेक्शंस करूंगा, तो कभी भी जब भी आप किसी भी सीएमए डाटा में प्रोजेक्शंस करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो सबसे पहले आपको सेल्स की प्रोजेक्शन से ही स्टार्ट करना होता है। आपको सेल्स की प्रोजेक्शन डालनी पड़ती है, उसके बाद बाकी चीजों की प्रोजेक्शन होती है। तो अब सेल्स की प्रोजेक्शन तो अब मैं आपको समझाऊंगा नहीं कि मैं किस तरह से मैंने पिक की है ये सेल्स, वो न्यूमरस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो मैंने पिछले अपने लेक्चर 55 में पूरे जो मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किए हैं उनमें से काफी कोशिश की है समझाने की। तो आज हम इसके ऊपर फोकस करेंगे, प्रोजेक्शंस कैसे बनानी है उनके ऊपर। तो उसके जो नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, जो मतलब अपना मेन सीरीज का पार्ट है, उसके अंदर हम जो फोकस करेंगे वो फोकस करेंगे कि जो ये प्रोजेक्शंस हमने ड्रॉ डाउन तो कर ली प्रॉफिट एंड लॉस की, क्या ये प्रोजेक्शंस एक्यूरेट रिप्रेजेंट कर रही हैं क्लाइंट की पिक्चर को या नहीं कर रही। क्या हमने कोई प्रोजेक्शंस को कोई ज्यादा पॉजिटिवली तो नहीं ले लिया केस निकलवाने के लिए। तो आई मीन टू से कि मैंने इन प्रोजेक्शंस को जो बना लिया है उनको सेट कैसे करना है, उनको फाइनलाइज कैसे करना है, तो उसको सीखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपको मजा आएगा सीख के कि सेट कैसे करना है प्रॉफिट एंड लॉस के प्रोजेक्शन को, ताकि एज अ बैंकर भी आपको एक्सेप्टेबल हो, एज अ क्लाइंट भी आपको वो प्रोजेक्शंस एक्सेप्टेबल हो, क्योंकि दोनों को एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। बैंक ज्यादा कंजर्वेटिव या ज्यादा पॉजिटिव प्रोजेक्शन नहीं ले सकता, और सिमिलरली क्लाइंट भी बैंक को उन प्रोजेक्शंस के ऊपर ऐसे ही हवा में प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं अचीव करके दिखाऊंगा ये। तो दोनों को एक्सेप्टेबल होनी चाहिए जो भी प्रोजेक्शंस हम करेंगे, तो उनको फाइनलाइज कैसे करना है वो समझेंगे। उसके लिए कुछ एक दो रेशियोज भी आपको समझनी पड़ेंगी, P&L के एक दो आइटम्स को समझना पड़ेगा, जैसे एबिटडा मार्जिन। तो उसके ऊपर फोकस रहेगा मेरा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो अभी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस की डायरेक्ट प्रोजेक्शन से ही स्टार्ट करता हूं मैं, एक्सेल शीट खोल लेता हूं। तो एक्सेल शीट के अंदर आप देखेंगे कि मैंने ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक सैंपल पंच किया हुआ है अपने पास। तो ये बिल्कुल रेंडम पंच किया हुआ है, इसका कोई रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल रैंडम पंच किया है मैंने। जस्ट मेरा मोटिव है आपको प्रोजेक्शंस करके दिखाना कि किस तरह से करनी है। तो जो ये प्रॉफिट एंड लॉस मैंने पंच किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो 2019 है, 2020 है और 2021 है। तो 21 वाला जो ईयर है वो प्रोविजनल है, क्योंकि उसकी अभी बैलेंस शीट फाइनलाइज नहीं हुई, क्योंकि बैलेंस शीट की ऑडिट डेट अभी आगे आने वाली है, तो इसका प्रोविजनल रिजल्ट है। तो 2022 जो अभी साल चल रहा है, तो 31/3/22 को क्या क्लाइंट का बिजनेस कैसे दिखेगा वो हम प्रोजेक्ट करेंगे, 31/3/23 को कैसे दिखेगा या प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होएगा वो प्रज्यूम करेंगे। 24 और 25 में नहीं बनाने वाला, तो 24 और 25 आप खुद अपने एंड पे प्रैक्टिस करके देख लीजिए कि आपको कैसे समझ में आ रहा है उस चीज का। इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा, जस्ट राइट। तो अभी हम सबसे पहले, जैसे मैंने बताया आपको कि हम सेल्स की प्रोजेक्शंस के ऊपर ही स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाद में बनाएंगे। तो देखिए, जब भी हम सेल्स की प्रोजेक्शंस कर रहे हैं, तो सेल्स की प्रोजेक्शन से आपको एक बात समझ लेनी है कि मैं टोटल क्लाइंट के टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात कर रहा हूं,
जो हमने प्रोजेक्शंस लेनी है वो टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू की प्रोजेक्शंस को पहले डालना है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू कौन सा, मतलब ऑपरेटिंग रेवेन्यू वो रेवेन्यू जो रोमन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से क्लाइंट को जनरेट होता है। तो सेल्स तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से जनरेट होती होती है, प्लस जैसे अगर एक्सपोर्ट बिजनेस हो तो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, कोई कमीशन बेस्ड बिजनेस हो तो कमीशन ब्रोकरेज आती है, एक्सपोर्ट को एक्सपोर्टर को ड्यूटी ड्रॉबैक आता है, या कोई अदर ऑपरेटिंग इनकम्स जो मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर्स बनाए हैं उनके अंदर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिटेल में आपको समझाया था सीएमए के अंदर, तो उसके अंदर आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेटिंग इनकम्स भी होती हैं। तो आपका जो फोकस रहना चाहिए, ये देखो ये सारी ऑपरेटिंग इनकम्स है, तो जो नॉन ऑपरेटिंग या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या आउट ऑफ द वे वाली इनकम्स होती हैं, जो वन टाइम इनकम्स होती हैं या नॉर्मल कोर्स में नहीं होती, वो सारी हमारी अलग से नीचे डली हुई है नॉन ऑपरेटिंग इनकम में, उनको नहीं हमने छेड़ना। हमें सिर्फ ऑपरेटिंग रेवेन्यू से मतलब है जो बिजनेस है रेगुलरली बिजनेस करता हो, क्योंकि हम प्रोजेक्शंस में क्या लेंगे, प्रोजेक्शंस में हम वो चीज प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। प्रोजेक्शन क्या है कि अंदाजा लगाना, हम उस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते जो बिजनेस नॉर्मल कोर्स में करता ही नहीं है, जो उसका नॉर्मल बिजनेस नहीं है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो वन टाइम है। तो जैसे नॉन ऑपरेटिंग जो रेवेन्यू है उसका मैं अंदाजा नहीं लगा सकता कि अगले साल होगा कि नहीं होगा, पर जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है उसका मैं अंदाजा जरूर लगा सकता हूं कि अगले साल वो क्या होगा कितना होगा। तो सबसे पहले हम सेल्स की प्रोजेक्शंस के ऊपर फोकस करेंगे। तो जैसे डोमेस्टिक सेल थी उसकी पहले 150 की थी 19 में, फिर 200 की हुई, फिर 21 में 175 की हुई, तो नॉर्मली तो वो कोविड की वजह से 2021 में पहले 3-4 महीने तो काम धंधा हुआ ही नहीं था, अप्रैल मई जून के महीने तो खास करके, तो ऑब्वियसली उसकी प्रोजेक्शन तो डाउन जानी ही थी। तो अब यहां पे मैं जो ये प्रोजेक्शन लेने जा रहा हूं, अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मैंने ये प्रोजेक्शन कैसे उठाई, आप ये प्रज्यूम कीजिएगा कि क्लाइंट के बिजनेस में कुछ इस तरह का होएगा, या करंट ईयर की टर्नओवर बहुत इंक्रीज करके होएगी, या कुछ भी होएगा। वो फैक्टर्स सारे मैंने आपको लेक्चर 55 में बता दिए हैं कि कौन कौन से लेक्चर्स प्रोजेक्शंस को प्रभावित करते हैं, सेल्स को प्रभावित कर सकते हैं, तो आप उनको एक बार जरूर समझ लीजिएगा। ये 225 का जो मैंने नंबर डाला है ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल नंबर है, मैंने इसके ऊपर कोई दिमाग नहीं लगाया है, ना मेरे पास कोई डाटा है कि मैंने 225 किस बेसिस पे उठाया है, जस्ट एक रैंडम नंबर मैंने अपने दिमाग में पिक कर लिया और उस रैंडम नंबर को मैंने यहाँ पे उठा के रख लिया। तो जो एक्सपोर्ट सेल्स हैं, अगर मैं इसकी भी प्रोजेक्शन लेना चाहूं तो मैं बढ़ा के भी ले सकता हूं, कम करके भी, अगर रैंडमली लेनी है तो आपको अपने फैक्ट्स के साथ चलना है जो मैंने पहले ही क्लियर कराए हैं आपको, आपको फैक्ट्स बनाने हैं उसके ऊपर आपने प्रोजेक्शन करना है। मैं हालांकि यहां पे इसको भी रैंडमली कंसीडर कर रहा हूं, राइट। तो उसके बाद अपने पास आ रहे हैं एक्सपोर्ट इंसेंटिव। अब जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव होते हैं, ये एक्सपोर्ट इंसेंटिव एक्सपोर्ट्स की सेल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है, कि एक्सपोर्ट की सेल्स के ऊपर बंदा ये अर्न कर रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम सिंपल फॉर्मूला लगा के इसको प्रोजेक्ट कर लेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैं कहता हूं कि अगर इज इक्वल टू, अगर अब देखिए आइडियली तो मेरे को ऑडिटेड पे उठाना चाहिए, पर क्योंकि प्रोविजनल भी मोर और लेस अभी नवंबर दिसंबर का टाइम चल रहा है तो प्रोविजनल भी मोर और लेस क्लाइंट रिलायबल ही देता है इस टाइम तक, क्योंकि काफी चीजें तो फाइनलाइज हो चुकी होती हैं। तो एक्सपोर्ट टर्नओवर अगर 1.5 की एक्सपोर्ट टर्नओवर, सॉरी एक्सपोर्ट इंसेंटिव अगर 1.5 का उसने 20 की एक्सपोर्ट की सेल्स के ऊपर अचीव किया था, यानी 1.5 डिवाइड बाय 20, तो यानी कि पर रुपी ऑफ एक्सपोर्ट सेल्स इन 2021 हाउ मच रेवेन्यू ही जनरेटेड, डिवाइड करके तो यही फिगर आ गई ना कि एक रुपया अगर मैंने 1.5 को 20 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास क्या आया कि हर 1 रुपए की एक्सपोर्ट सेल के पीछे कितना एक्सपोर्ट इंसेंटिव। तो इनटू अगर मैं कर दूंगा प्रोजेक्टेड एक्सपोर्ट सेल्स तो मेरे पास आ जाएगा एक मोटा मोटा अंदाजा कि क्लाइंट कितना प्रोजेक्शन में आना चाहिए उसका एक्सपोर्ट इंसेंटिव, राइट। तो बिल्कुल सेल्स के ऊपर बेस्ड हो गया। उसके बाद कमीशन एंड ब्रोकरेज, कमीशन एंड ब्रोकरेज डोमेस्टिक सेल्स के ऊपर भी वो दे सकता है किसी क्लाइंट को, सॉरी अर्न कर सकता है, और एक्सपोर्ट के ऊपर भी किसी की कर सकता है। तो इसको भी हम, इसको हम टोटल, क्योंकि एक्सपोर्ट तो सिर्फ एक्सपोर्ट सेल्स के ऊपर ही बेस्ड था, इसको टोटल टर्नओवर के ऊपर बना लेंगे कि अगर 11 का कमीशन उसने 195 की सेल्स के ऊपर अर्न किया, मेरे को नहीं पता 175 पे किया 20 पे किया कैसे किया, इसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा तो सेल्स के ऊपर ही प्रोजेक्ट करेंगे। तो इनटू अगर 250 की टर्नओवर होगी तो कितना करेगा, राइट, इतना। उसके बाद सिमिलरली ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है सिर्फ एक्सपोर्ट टर्नओवर पे, 0.50 डिवाइड बाय 20 की, 0.50 का अर्न किया 20 की सेल्स के ऊपर, तो 25 की अगर होगी तो कितना करेगा,
तो ये हमारा इतना आ गया 0.63। तो इसमें हमें पिछले सालों की एवरेज को इग्नोर करना है। आप ये सोचेंगे कि सर इसको हम इसके ऊपर ही लेटेस्ट के ऊपर ही क्यों ले रहे हैं, हम एवरेज के ऊपर क्यों नहीं ले रहे। तो देखिए ऐसे तो आप जितना मर्जी बना सकते हैं इस चीज को, मैं प्रेफर यही करता हूं प्रैक्टिकली भी, तो जो जब भी बैंक में काम करते हैं तो कि लास्ट में जो अचीव किया हुआ है वो बेस्ट पॉसिबल अंदाजा है कि प्रेजेंटली बिजनेस में क्या चल रहा है। आई डोंट नो कि इस टाइम उसका क्या चल रहा होगा। देखिए इस टाइम तो उसका मतलब अब बिजनेस के हिसाब से तो कुछ भी चेंज हो सकता है, तो हम उसके ऊपर अंदाजा नहीं लगा सकते। पिछले पिछले बार तो 2020 में तो उसने 0.75 का अर्न कर लिया था 20-25 के ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक। इस बार क्या पता गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई हो तो कंपेरेटिवली कम आया हो उसको, तो यहाँ पे हमारा 0.63 बन रहा है प्रोपोर्शनेट। तो लेटेस्ट एज लेटेस्ट एज पॉसिबल ट्रेंड के ऊपर जाने की कोशिश कीजिए। हाँ अगर आपको मान लीजिए अगर आप 2022 की प्रोजेक्शन कर रहे हैं, अब मान लीजिए आपको पता है कि 31/3/2021 के बाद, 31/3/2021 जब इसने 0.50 का अर्न किया था उसके बाद गवर्नमेंट ने ड्यूटी ड्रॉबैक देना ही बंद कर दिया है, आपको ये गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट के बारे में जानकारी है, आपको पता है, तो फिर आप यहाँ पे कितना उठाएंगे? जीरो। यहाँ पे जीरो उठा लेंगे ऑटोमेटिकली। तो ये सब चीजें तो मैं प्रज्यूम करता हूँ कि आपको इन चीजों का अंदाजा तो ऑटोमेटिकली होना चाहिए, कि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कोई नोटिफिकेशन है तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। अब अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू को भी मेरे को अंदाजा नहीं है कि यहाँ पे कितना अर्न करेगा कितना नहीं। तो सिंपल है, इनको टर्नओवर के ऊपर लिंक कर दीजिए। अगर दो का उसने अर्न किया था 195 की टर्नओवर के ऊपर, तो 250 की टर्नओवर के ऊपर वो कितना अर्न करेगा? 2.56, राइट। तो इस तरह से आपको प्रोजेक्शंस में सिंपलिसिटी रखनी है, और इसी वजह से मैंने लास्ट वाला जो 55 नंबर लेक्चर था, 1 घंटा जितना भी मैंने बनाया था, वो उसको मैंने टर्नओवर के ऊपर फोकस्ड रखा था, क्योंकि आपकी प्रोजेक्शंस टर्नओवर की एक्यूरेसी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं। अगर आपने टर्नओवर को एक्यूरेटली प्रोजेक्ट नहीं किया तो आपकी सारी की सारी प्रोजेक्शंस गलत हो जाएगी, क्योंकि आप सिंपली देख सकते हैं कि मैंने जो ऑपरेटिंग रेवेन्यूज को जज किया, अब अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू में कोई भी ऑपरेटिंग रेवेन्यू हो सकता है। अब मेरे को चाहे उसकी बाइफर्केशन पता भी हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बट मैं उसकी प्रोजेक्शन को लिंक नहीं कर सकता किसी और चीज के साथ, मैं अंदाजा नहीं लगा सकता कि कैसे कितना अर्न होगा। तो सिंपल उसको टर्नओवर के बेस्ड पे ही लिंक किया जाएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को, मेरे पास कोई और रास्ता इसके अंदर नहीं है, राइट। तो इस तरह से चलेगा ये। अब यहाँ पे देखिए मैंने टर्नओवर की 28% की प्रोजेक्शन को प्रोजेक्ट किया हुआ है, कि 28% प्रोजेक्शन है टर्नओवर की, राइट। तो अभी जब हमने इन चीजों को प्रोजेक्ट कर लिया, अब हम आते हैं अपने खर्चों के ऊपर। तो सबसे पहले इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, अब पहले 23 का था, 25 का था, 24 का था, तो उसने इंपोर्ट कितना किया अपना जो रॉ मटेरियल था वो यहां पे आ रहा है। तो इसकी भी प्रोजेक्शंस मैं सिंपल ही लूंगा, ध्यान से देखिएगा। मैं करूंगा कि 24 वाला का उसने इंपोर्ट किया, रुपीज इन लैक्स है, 24 लाख का उसने इंपोर्ट किया 195 की सेल्स जनरेट करने के लिए, 195 की सेल्स जनरेट करने के लिए उसने 24 लाख रुपीज का इंपोर्ट लिया, राइट। तो 250 की सेल्स करने के लिए उसको कितना इंपोर्ट करना पड़ेगा? 250 की सेल्स करने के लिए उसको कितना इंपोर्ट करना पड़ेगा? तो इसके ऊपर हमारा ये प्रोजेक्शन आ जाएगा अकॉर्डिंगली। अगर आप इसको थोड़ा सा और लेना चाहते हैं तो आप इसकी टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू पर भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो, बट मैं प्रेफर नहीं करता, मैं चाहता हूं कि सेल्स के ऊपर ही रहे ये चीज। सिमिलरली इंडिजिनियस रॉ मटेरियल 53 का था, तो इसको 20 सेल्स से लिंक करेंगे, कि 53 का किया था उसने 195 की सेल्स जनरेट करने के लिए, तो 250 की करने के लिए कितना करना पड़ेगा? तो ये हमारे पास फिगर निकल के आ गई 67.95, ठीक है। तो हमारे पास सेल्स की फिगर यहाँ पे 195 250 है। अब मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, अब मैं सीधा सीधा प्रोजेक्ट करूंगा। पांच का इसने किया था कंज्यूमेबल का खर्चा 195 की सेल्स करने के लिए, तो 250 की सेल्स करने के लिए इसको कितना करना पड़ेगा? ये हमारे पास इसकी प्रोजेक्शन आ गई अकॉर्डिंगली। ये देखिए मतलब आप इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं कि सेल्स की कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं क्या कर रहा हूं इसके अंदर, जस्ट एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा रहा हूं प्रोजेक्शन के अंदर। ऐसे ही होता है प्रैक्टिकली भी, कि आपको इन्हीं फॉर्मूलाज के बेस्ड पे ही बैंकिंग सेक्टर में जब आप काम करेंगे तो इन्हीं फॉर्मूलाज के बेस्ड पे ही आपको प्रोजेक्शंस करनी पड़ेंगी, बट आपकी सेल्स की प्रोजेक्शंस एज एक्यूरेट एज पॉसिबल, एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल होनी चाहिए। ये जो बाकी सारी सब्सिडरी चीजें हैं इनकी प्रोजेक्शंस तो हाथ के हाथ हो जाती है। एक सेल्स की प्रोजेक्शन हो गया, एक डेप्रिसिएशन की प्रोजेक्शन आपको खुद करनी पड़ेगी, एक इंटरेस्ट कॉस्ट की प्रोजेक्शन आपको खुद करनी पड़ेगी,
ये तीनों की प्रोजेक्शन करनी पड़ेगी आपको खुद को, और बाकी जो चीजें हैं वो सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला बेस्ड हो जाएंगी, ठीक है। और फोर्थ चीज जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि इन प्रोजेक्शंस को करने के बाद आपकी जो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की पिक्चर है वो किस तरह की नजर आ रही है, वो बैंकर को, क्लाइंट को, बोरोवर को एक्सेप्टेबल है या नहीं है, वो रियलिस्टिक लग रही है कि नहीं लग रही है, वो सेट कैसे करनी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम वो डिस्कस। तो सिंपल पावर एंड फ्यूल का 7.5 लाख रुपए का खर्चा 195 की टर्नओवर जनरेट करने के लिए किया था, तो 250 की करने के लिए कितना करेगा, यहां पे आ गया। सिमिलरली 8 का खर्चा 195 की सेल्स जनरेट करने के लिए किया था, तो 250 के लिए कितना करेगा, यहां पे आ गया। अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 13 के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 195 की सेल्स के लिए, तो 250 के लिए कितने आ गए, यहां पे। उसके बाद सिमिलरली कैरेज एंड फ्रेट 1.5 डिवाइड बाय 195 इनटू 250, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3.5 डिवाइड बाय 195 इनटू 250। डेप्रिसिएशन छोड़ दीजिए, डेप्रिसिएशन का हम अंदाजा लगाएंगे कि इसको कैसे प्रोजेक्ट करना है। डेप्रिसिएशन को सेल्स के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं ना कर सकते क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट के ऊपर बेस्ड होती है। उसके बाद आ जाइए फिनिश्ड स्टॉक। फिनिश्ड स्टॉक का इसने यहाँ पे स्टॉक रखा हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना बचा हुआ था, वर्क इन प्रोग्रेस वाला कोई यहाँ पे है नहीं। अब यहाँ पे आपको किस चीज का ध्यान देना है, अभी मैं आपको इस चीज के बारे में आगे चल के एक दो लेक्चर्स बाद बताऊंगा। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड होता है हमारा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ठीक है, कि इन्वेंट्री कितने दिनों की होल्ड कर रहा है क्लाइंट, ठीक है। तो ऑपरेटिंग साइकिल में मैंने आपको समझाया था कि स्टॉक का साइकिल होता है, तो इसके अंदर अभी तो मैं फिलहाल एक रफ फिगर ले रहा हूं, मान लीजिए मैंने 27 की फिगर ले ली यहां पे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस को फाइनलाइज करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, तो जो ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स आ रहा है आपका, इसके जो डेज हैं वो इनके इन लाइन ही हो, ऐसा ना हो कि आपने बहुत ज्यादा इसको प्रोजेक्ट कर दिया या बहुत कम इसको प्रोजेक्ट कर दिया, कि यहाँ पे जो स्टॉक उसको स्टॉक वो 3 महीने का होल्ड कर रहा था और आपने कर दिया 1 महीने का स्टॉक, या आपने कर दिया 6 महीने का स्टॉक। तो आपको थोड़ा सा नियर अबाउट पहुंचना है, रियलिस्टिक पहुंचना है। अभी मैं रफली, क्योंकि मैं सेट करने का नहीं बता रहा, तो ये आपको रफली डालना पड़ेगा एक बार, बाद में इसको आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा चेंज करके, ठीक है, एक बार रफ डाल दीजिए इसको। उसके बाद पर्सोनल कॉस्ट, सिंपल 8 की पर्सोनल कॉस्ट हुई थी 195 की सेल्स के ऊपर, तो 250 की सेल्स के ऊपर कितनी करेगा। उसके बाद अदर सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सेलिंग एक्सपेंसेस हुए थे 195 की सेल्स के ऊपर, तो 250 की सेल्स के ऊपर कितना करेगा। उसके बाद फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड 3.5 के ये हुए थे 195 की सेल्स के ऊपर, तो 250 के ऊपर कितने होंगे, यहां पे आ गए। उसके बाद हमारे पास ये जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि इसके अंदर आपको जो प्रॉफिट आपको सेट करना है उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आप इनको बैलेंसिंग फिगर बना के चलिए। मैंने यहाँ पे 18 लाख का प्रॉफिट रखना होगा मेरे क्लाइंट का, तो मैंने 18 माइनस करके बाकी यहाँ पे बैलेंस आ गए, इस तरह से बैलेंस खर्चे निकल के आ गए। अब यहाँ पे आपको अभी मैंने प्रॉफिट कितना रखना है ये मैंने डाला नहीं है यहाँ पे, वो प्रॉफिट हम देखेंगे कि नेट प्रॉफिट रेशो के हिसाब से, कि पिछले सालों में नेट प्रॉफिट रेशो कितनी है उसके हिसाब से। तो पहले हम प्रोजेक्शंस को कंप्लीट करते हैं, ये तो अभी बैलेंसिंग फिगर्स हैं सारे खर्चे, इनको अभी छोड़ देते हैं। उसके बाद आते हैं इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल लिमिट, ये अभी आप छोड़ दीजिए, इसको हम ये अभी सीखेंगे कि प्रोजेक्शन इंटरेस्ट कॉस्ट की प्रोजेक्शन कैसे करनी है। उसके बाद आ जाइए नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स पे, अब ये देखिए इनको ध्यान से करना पड़ेगा आपको। अब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स उसने 1 लाख रुपए का जनरेट किया था 2021 में, देखिए मैं इसकी प्रोजेक्शन नहीं कर सकता, नॉन ऑपरेटिंग इनकम की प्रोजेक्शन मैं नहीं कर सकता, इनको जीरो ही रख के चलेंगे। अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम 2 लाख रुपए की थी, चाहे उस समय कुछ भी हो, तो मैं इसकी प्रोजेक्शन नहीं कर सकता नॉन ऑपरेटिंग इनकम की, इसको जीरो करके चलिए। उसके बाद आपकी आ गई इंटरेस्ट इनकम 0.53, यानी 53,000 रुपीज का उसने इंटरेस्ट अर्न किया। अब कई बार इंटरेस्ट अर्न कैसे होता है कि आपने, आपका जो बोरर है वो मैन्युफैक्चरर है, उसने हैवी इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लिया हुआ है, उसने मान लीजिए 5 लाख रुपए की या 10 लाख रुपए की इलेक्ट्रिसिटी की सिक्योरिटी दी हुई है अपनी बिजली की कंपनी को, जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उसको 10 लाख रुपए की इलेक्ट्रिसिटी की सिक्योरिटी दी हुई है। अब वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है वो 10 लाख की सिक्योरिटी के ऊपर उसको 3-5% जो भी है वो इंटरेस्ट भी देती है। अब फॉर एग्जाम्पल उसने 10 लाख की सिक्योरिटी रखी हुई है, तो उसके ऊपर 5% उसको 50,000 रुपए इंटरेस्ट दे दिया उन्होंने, तो वो इंटरेस्ट उसकी इनकम में आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डाल देते हैं उसको नॉन ऑपरेटिंग इनकम में। पर वो इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी तो स्टे ही करेगी ना बैलेंस शीट में, वो तो कभी निकलेगी नहीं बाहर, तो उसकी इंटरेस्ट इनकम को आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, उसकी इंटरेस्ट इनकम को आप यहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। दूसरी एग्जाम्पल,
कि बैंक गारंटी आपने किसी को दी हुई है, तो बैंक गारंटी के लिए तो उसने मार्जिन मनी या टेंडर मनी डिपॉजिट करवाई हुई है, ये बैंक के पास एफडियां रखी हुई हैं, तो उन एफडियों के ऊपर बैंक ब्याज देता है उसको 4-5%, 5% ब्याज देता है। तो मान लीजिए 10 लाख रुपए की एफडियां रखवाई हुई है, तो 10 लाख की एफडियों के ऊपर 50,000 रुपए उसको ब्याज मिलता है, तो वो एफडियां भी उसको रखनी पड़ेंगी क्योंकि बैंक गारंटी लाइन तो यूज करेगा ही करेगा ना वो, तो उसके ऊपर भी आप इंटरेस्ट इनकम को प्रोजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको पता ही है कि ये इनकम होनी ही होनी है। अब तीसरा सर्कमस्टांस कि उसने बैंक के पास एज एन इन्वेस्टमेंट एफडीज रखी हुई है, बैंक के पास एज एन इन्वेस्टमेंट उसने एफडीज रखी हुई है, आपको पता है कि वो एफडीज पड़ी है उसकी बैंक के पास, तो आप क्या करेंगे उसका, आपने देखना है कि आपने प्रोजेक्शंस के ऊपर वो एफडीज को लिया है कि नहीं लिया है प्रोजेक्शंस में। तो आप देखेंगे कि हाँ, जो मैंने बैलेंस शीट की आपको प्रोजेक्शन सिखाई थी उसके अंदर अगर आपने प्रोजेक्शंस में एफडीआर को कंसिडर किया है कि मैं प्रोजेक्शंस में एफडी उसकी चलेंगी, तब तो उसके ऊपर एक आप 4-5% का एवरेज इंटरेस्ट ले लीजिए, फिर तो वो आप इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अभी ये मान के चल रहा हूं मैं कि ये मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी का या बैंक गारंटीज का इंटरेस्ट है, तो ये कंटिन्यू रहेगा, इसको मैं बढ़ा के नहीं ले रहा क्योंकि मैं कंजर्वेटिव होके ले रहा हूं, मैं इसको सेम ही रख रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि 10 लाख रुपए की इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी दी थी तो वो 10 लाख ही स्टे करेगी और नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो इस चीज का, हालांकि उसने बिजनेस बढ़ाना है, उसने नई मशीनें लेनी है, तो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी बढ़ाएगा और सिक्योरिटी भी देगा, पर इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है आपको, मोटा मोटा चीज ठीक रखिए। अब चौथा पॉइंट आ जाता है, मान लीजिए कि उसने गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में पैसा लगाया हुआ है या म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया हुआ है। अब म्यूचुअल फंड्स का पैसा भी अपने प्रोजेक्शन में लिया हुआ है, अब म्यूचुअल फंड्स के ऊपर फॉर एग्जांपल उसको या कोई वहां से कोई इनकम जनरेट हो रही है म्यूचुअल फंड से, या किसी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज से उसको डिविडेंड जनरेट हो रहा है, आपने प्रोजेक्शन में शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को लिया हुआ है, ठीक है, तो क्या आप उनकी शेयर्स की डिविडेंड इनकम को जो नॉन ऑपरेटिंग में डाला था उसको प्रोजेक्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि शेयर्स, सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स ये रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमें नहीं पता कि एक साल बाद इनकी क्या वैल्यू रहेगी, रोज इन तो इनकी वैल्यू, हर घंटे तो इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, तो फ्यूचर में इनकी क्या वैल्यू का हमें क्या अंदाजा, क्या पता ये मार्केट पूरी क्रैश हो जाए और गिर जाए, इनके ऊपर कुछ मिले ही ना, ठीक है। हालांकि जो बैंक की एफडीआर होती है इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटीज के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो तो प्रोजेक्टेबल है क्योंकि उनके ऊपर सर्टेनिटी है कि ये स्टे करेंगी, बैंक की एफडीआर फेल थोड़ी, बैंक थोड़ी फेल होएगा, हालांकि मतलब सरकार बचाने के लिए भी तो है ना, तो इस तरह से उनको आप प्रोजेक्ट कर लीजिए। पर जो म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर डिविडेंड इनकम है, कोई शेयर इनकम है, कोई इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है, इस तरह से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का तो चाहे आप कंसीडर कर लीजिए क्योंकि वो सेफ इन्वेस्टमेंट है, बट अदरवाइज कोई और रिस्की इन्वेस्टमेंट को आप प्रोजेक्ट ना ही करें तो बेहतर है, थोड़ा कंजर्वेटिव रहिए। उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, मैं नहीं अंदाजा लगा सकता, मैं क्लाइंट का क्यों अंदाजा लगाऊं कि भाई अगले साल भी वो प्रॉफिट एसेट्स बेचेगा और लॉस होगा, चाहे उसको 2-3 साल में लगातार हो रहा हो, इसको मैं बिल्कुल प्रोजेक्ट नहीं करूंगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी नहीं करूंगा। अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है, अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनको भी मैं बिल्कुल प्रोजेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को क्या पता कि अगले साल होने हैं या नहीं होने हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से मोटा मोटा जो इंटरेस्ट इनकम्स होती है सर्टेन सोर्सेस से, उनको आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जस्टिफिकेशन लेके आप डाल सकते हैं अपनी इनकम्स के अंदर। तो उसके बाद अपने पास आ गया ये वाला प्रोविजन फॉर टैक्स, तो यहाँ पे टैक्सेशन उसका जो एक्चुअल आईटीआर से उठाया होगा वो डाला हमने। इसके बाद अभी हमने हमने यहाँ पे प्रॉफिट अपना प्रोजेक्ट नहीं किया, हमने देखा है कि ये अराउंड 7% का नेट प्रॉफिट कमा रहा है, तो तीनों सालों की एवरेज देखी तो मेरी एवरेज निकल के आई 7.20%, तो मैं नेट प्रॉफिट को कोशिश करूंगा एज नियर एज पॉसिबल रखने की। तो जो प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो मैं सिंपल पिछला साल मेरे को नहीं देखना कि पिछले साल में उसने कितने परसेंट उसका टैक्स निकला था या कितने परसेंट नहीं, मेरे को प्रोजेक्शन में सिंपल जो भी नेट प्रॉफिट आएगा बिफोर टैक्स वाला नेट प्रॉफिट, इसका 30.9% टैक्स कंसिडर कर लेना है, 0.9 जो हो गया अपना एजुकेशन सेस 3% ऐड करने के बाद, ये टैक्स मैंने मोटा मोटा कंसिडर कर लेना है, जो भी प्रॉफिट आएगा उसका उतने परसेंट अपने टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा और बाकी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच जाएगा। मेरे को यहां से नहीं लेना देना कि ये 3.5 का 18 के ऊपर तो ये बन नहीं रहा 30.9%, या 4 का 20 के ऊपर तो 20% ही बन रहा है, ये भी 20% बन रहा है तो मैंने यहाँ पे 30% क्यों ले लिया, ये नहीं सोचना। आपको मैक्सिमम स्लैब रेट का पिक करना है और वही स्लैब रेट यहाँ पे उठा के डाल देना है, ठीक है जी। उसके बाद अब हमारे पास दो काम बचे हैं यहाँ पे करने वाले, सॉरी तीन काम बचे हैं। एक तो हमने क्या करना है कि एक तो हमने यहाँ पे करना है अपना डेप्रिसिएशन को सेट, और दूसरा हमने करना है अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को सेट, ठीक है जी।
तो पहले हम डेप्रिसिएशन को सेट करते हैं अपना। बड़ा ही सिंपल वे है डेप्रिसिएशन को सेट करने का। इसके अंदर भी आपको ज्यादा दिक्कतों में या झंझटों में नहीं पड़ना है। तो क्या करना है आपको उसके लिए, डेप्रिसिएशन की प्रोजेक्शंस करते हैं। डेप्रिसिएशन तो पहले तो आप अपने पास एक सिंपल एक शेड्यूल बना लीजिए यहाँ पे, जैसे FY2, ये आप एक्सेल में भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ। आप बेटर है कि एक्सेल में बना लीजिए 2021, ये आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट करनी है, ये यहाँ पे आपने प्रोजेक्शंस करनी है। आप यहाँ पे लिख लीजिए डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लिख लीजिए यहाँ पे कि कितनी कितनी डली है। तो आपके केस में डेप्रिसिएशन है 25, 22 और 22, 25, 22 और 22। आप कहेंगे कि सर डेप्रिसिएशन थोड़ी कम होनी चाहिए थी क्योंकि कम रिटर्न डाउन वैल्यू के हिसाब से लगती है, तो क्या पता उसने कोई फिक्स एसेट ऐड किए हो इस वजह से सेम रही हो डेप्रिसिएशन। उसके बाद आपको लिखने हैं आपके नेट फिक्स एसेट, नेट फिक्स एसेट्स कि आपके नेट फिक्स एसेट्स की वैल्यू कितनी आ रही है। अब मैं यहां पे देखता हूं एसेट साइड के ऊपर, एसेट साइड के ऊपर ऊपर चलते हैं। देखिए सब कुछ हाइपोथेटिकल है, कुछ भी मतलब रियलिटी नहीं है, तो जस्ट मैं ये लिख रहा हूं। तो ये आगे 200 फिक्स एसेट्स, 185, ये हमारे यहाँ पे फिक्स एसेट्स हैं आफ्टर जो भी प्लस माइनस एडजस्ट करने के बाद सारे। तो अब अगर यहाँ पे हमने देखना हो कि अब हम 2022 की प्रोजेक्शंस क्या लें, तो आप ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में मत पड़िएगा। मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए चीज, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में मत पड़िए। आप यहाँ पे एक एवरेज डेप्रिसिएशन रेट निकालिए, एवरेज डेप्रिसिएशन रेट निकालिए कि कितना डेप्रिसिएशन का रेट लग रहा है उसको। तो सिंपल है यहाँ पे, जैसे 25 डिवाइड बाई 200, अब 200 के ऊपर तो ये लगी नहीं 25 की, ऑब्वियसली ये उससे हायर वाली वैल्यू पे लगी है, तो आप एक एवरेज रेट निकाल रहे हैं। तो उसके लिए आपको कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं कितने एक्यूरेसी पे पहुंच रहा हूँ कितना नहीं। तो आप 25 डिवाइड बाई 200 × 100, यहाँ पे लग रहा है 12.5% रेट, 12.5% रेट लगा है। उसके बाद अगले साल का 22 डिवाइड बाई 185 × 100, देखिए इसको कंसीडर करना है कि नहीं करना ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप एक बार चेक कर लीजिए कि कितना रेट लगा रहा है क्लाइंट। तो यहां पे लगा है 11.89%। उसके बाद सिमिलरली ये भी सेम ही आएगा 11.89%, ठीक है जी। तो 11.89% यहां पे आ गया। अब आप तीनों की एवरेज निकाल लीजिए एक बार, तीनों के एवरेज निकाल लीजिए, 12.5 प्लस 11.89 प्लस 11.89 डिवाइड बाय 3, ये कितना एवरेज बना, ये अराउंड बन गया आपका 12.09%। तो मोटा मोटा इस एवरेज रेट के साथ आपकी डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है हर साल, ये आपका एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लग रहा है हर साल। तो आपको क्या करना है सिंपल, वैसे तो जो आप इनकम टैक्स लॉ आपने देखा होगा तो मोस्ट ऑफ द जो फिक्स एसेट्स है वो 15% के ऊपर डेप्रिशिएबल होती हैं, पर कुछ 10% के ऊपर होती हैं, कुछ जीरो भी होती हैं जिनके ऊपर लगती नहीं है। वो कौन सी होती है जीरो वाली, वो जीरो वाली जैसे आपके पास लगा लीजिए कि लैंड हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस वाली एसेट हो गई, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वाला हो गया, ठीक है, मशीनरी अंडर इंस्टॉलेशन हो गया, इन एसेट्स के ऊपर जीरो भी लगता है, कईयों के ऊपर 10 लगता है, कईयों के ऊपर 15 लगता है। तो बेटर है कि आप एक एवरेज रेट निकाल लीजिए कि क्लाइंट कितना एवरेज रेट चार्ज कर रहा है, राइट। तो अब सिंपल तरीका क्या होता है, सिंपल तरीका तो यही है कि जो ये लास्ट वैल्यू है मेरे पास आफ्टर डेप्रिसिएशन की, जो लास्ट वैल्यू अवेलेबल है, इसके ऊपर मैं एवरेज रेट लगा दूं 12.09%, तो ये मेरी डेप्रिसिएशन आ जाएगी इस साल की, राइट। तो 12.09% का एवरेज रेट यहां पे लगा दूं और मेरी यहां पे ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी FY22 की। बस आपको एक चीज का ध्यान में रखना है कि ये लगाने से पहले पहले तो आप एक बार इसको लगाई दीजिए 185 × 12.09%, ये बन गया आपका 22.37, ये बन गई आपकी साधारण डेप्रिसिएशन,
साधारण मींस कि 185 की जो फिक्सेशन थी उसके ऊपर कितनी बनी। अब आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है क्योंकि आप 2022 की प्रोजेक्शंस कर रहे हैं। अब 2022 2021 से शुरू हो गया था, जो आपके पास प्रोविजनल फाइनेंशियल आए हुए हैं जिनमें ये फिगर है 185 की, ये थे 31/3/21 तक, ठीक है जी। आज जो तारीख है, आज 5 दिसंबर हो गई है, आज 5 दिसंबर 2021 है। तो आप देखिए कि 31/3/21 से लेके 5 दिसंबर 2021 तक कोई फिक्सेशन एडिशन तो नहीं हुआ, कोई फिक्सेशन एडिशन तो नहीं हुआ। वो कैसे पता लगेगा? या तो बैंक स्टेटमेंट से पता लगेगा, या आपने देखा होगा क्लाइंट के सिबिल में कि ड्यूरिंग दिस पीरियड उसने कोई कार लोन या कोई व्हीकल लोन या कोई इस तरह का लोन तो नहीं ले लिया नया, क्योंकि कार लोन भी लेगा तो कार की एसेट तो आएगी। मतलब कार लोन इंडिविजुअल वाला नहीं, जो फर्म ने लिया हो, कोई कमर्शियल गाड़ी का लोन ले लिया तो उसकी एसेट तो बिजनेस में आएगी ना। कोई उसने मशीनरी टर्म लोन ले लिया इस टाइम में तो उसकी एसेट तो आएगी ना, या उसने कोई खुद फाइनेंस से अपनी एसेट ले ली तो तब भी तो उसके अंदर आएगी। या आप क्लाइंट से मिलने गए तो क्लाइंट ने आपको बातों बातों में बता दिया कि 31/3/21 के बाद मैंने एक लैंड खरीदी है अपने पैसे से, वो लैंड इतनी वैल्यू की बुक्स में आ गई है, तो कुछ भी। तो अगर आपको कोई एसेट की जानकारी मिलती है ड्यूरिंग दिस पीरियड तो वो एसेट को आप यहाँ पे प्लस तो करेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 12.09% के हिसाब से आपने इन एसेट्स के ऊपर तो काउंट कर लिया कि 12.37 की डेप्रिसिएशन बनती है। मान लीजिए ड्यूरिंग दिस पीरियड उसने 10 लाख रुपए की गाड़ी को ऐड किया है। अब 10 लाख रुपए की गाड़ी को ऐड किया है तो 10 लाख की गाड़ी के ऊपर भी तो आपको एवरेज 12% की डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी ना, 12% की लगा लीजिए। या अगर उसने हाफ ईयर के बाद खरीदी है तो प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन 6 महीने की लगा लीजिए, तो उसके हिसाब से भी तो आपको डेप्रिसिएशन को कंसिडर करना ही पड़ेगा ना। तो आप क्योंकि ये मिड ऑफ द ईयर परचेज की है तो आप 12% मत लगाइए रेट, आप 10% लगा लीजिए अंदाजतन, आप इसमें प्लस वन कर लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज, आज की डेट में आप क्लाइंट को लोन दे रहे हैं, अब आप देखिए कि क्लाइंट को आप जो क्लाइंट को लोन दे रहे हैं उसमें आप कोई फिक्स एसेट बाय करने के लिए लोन तो नहीं दे रहे क्लाइंट को, फिक्स एसेट बाय करने के लिए लोन तो नहीं दे रहे। आप ये चीज अपने पास चेक कीजिए, अब पता लगे कि आप 5 दिसंबर 2021 को लोन दे रहे हैं उसमें से 50 लाख रुपए का लोन आप उसको मशीनरी बाय करने के लिए भी दे रहे हैं। तो भाई अगर आप लोन आज की डेट में उसको सैंक्शन कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, तो वो आप तो ये मानेंगे ही ना कि भाई वो लोन को यूज करेगा और मशीनरी भी बाय करेगा उस लोन से। तो अगर वो 50 लाख रुपए की मशीनरी बाय करेगा तो ये जब आप फिक्स एसेट्स को प्रोजेक्ट करेंगे तो ये 10 लाख की जैसे गाड़ी खरीदी तो 50 लाख रुपए की ये भी तो खरीदेगा, 50 लाख रुपए की ये भी तो खरीदेगा, तो 50 लाख के ऊपर भी तो इसको 5% या 10% के हिसाब से लगा के चले। वैसे तो 15 लगती है पर क्योंकि मिड ऑफ द ईयर है तो मैं इसको कम रेट ले रहा हूँ, 5 ले रहा हूँ या 4 ले लीजिए, तो ये भी तो डेप्रिसिएशन इसमें एडिशनल ऐड होगी। तो जब ये एडिशनल ऐड होगी तो उसके हिसाब से आपकी वो कैलकुलेशन से बैठेंगे, करेक्ट। तो डेप्रिसिएशन को प्रोजेक्ट करते टाइम आप इनको फिक्स्ड एसेट्स के एडिशंस को जो मिड ऑफ द ईयर हुए हैं या जो आगे होने वाले हैं, जो आपको आपको कंफर्म्ड है कि होने हैं, आपने मान लीजिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए लोन दिया है तो आप उसको लगा के चलिए, साथ में कंसीडर करके चलिए। हाँ, एक और चीज का ध्यान रखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर आप किसी क्लाइंट को जब लोन देते हैं तो मान लीजिए आपने 75 लाख रुपए का मशीनरी टर्म लोन दिया, 75 लाख रुपए का मशीनरी टर्म लोन दिया मशीनरी बाय करने के लिए, ठीक है जी। अब आप ये बताइए कि अगर 75 लाख रुपए का आपने लोन दिया है तो मशीनरी कितने की आएगी, मशीनरी का परचेज प्राइस क्या होएगा? वीडियो को पॉज करके आप इस चीज का गैस लगाइए कि मशीन का परचेज प्राइस क्या होएगा। चलिए आई होप आपने अंदाजा लगाया होगा। तो मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैंने आपको समझाया भी हुआ है इस चीज को कि जब भी कोई फिक्स एसेट बाय करने के लिए बैंक लोन देता है तो बैंक प्रमोटर से उसका मार्जिन कॉन्ट्रीब्यूट कराता है मिनिमम 25% या कम भी हो सकता है केस टू केस बेसिस, या ज्यादा भी हो सकता है। तो मैं एग्जांपल मान के चलता हूँ 25%। बैंक कहता है कि जितनी भी वैल्यू की मशीन है उसका 25% आप दोगे, 75% मैं दूंगा। बैंक कहता है कि अगर 100 रुपए की मशीन है तो 75 रुपए मैं दूंगा और 25 रुपए आप दोगे, आप अपना पैसा भी डालोगे, ठीक है। तो जो बैंक 75 रुपए देगा तो वो 75 रुपए तो लोन के रूप में देगा, 75 रुपए तो लोन के रूप में देगा। तो जो अगर 75 लाख रुपए का अपने मशीनरी टर्म लोन सैंक्शन किया तो वो तो मशीनरी वैल्यू का सिर्फ 75% ही रिप्रेजेंट कर रहा है, मशीनरी वैल्यू का 75% ही रिप्रेजेंट कर रहा है, पर क्लाइंट की बुक्स में तो मशीनरी पूरी वैल्यू की आएगी ना। तो क्लाइंट की अगर 75 लाख का मशीनरी टर्म लोन दिया और 25% आपका मार्जिन है तो यहाँ पे मशीनरी कितनी वैल्यू की आएगी,
₹100 की वैल्यू आएगी मशीनरी की, क्योंकि 25% वो खुद के कॉन्ट्रीब्यूशन बेस से भी तो खरीदेगा ना, मशीनरी खुद भी तो पे करेगा ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो प्रमोटर का कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको काउंट करके चले। अगर मान लीजिए ये 40% होता, ये फिर ये 60 होता, तो मैं करता 75 लाख / 60% 60%, तो इसको ग्रॉसअप करता तो मेरे पास टोटल मशीनरी का परचेज प्राइस आ जाता। तो उसको आपको प्लस करना है और उसके ऊपर प्रोजेक्टेड डेप्रिसिएशन लेनी है साथ में। ये इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, आपको ये क्लियर भी हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हाल फिलहाल अपने एग्जांपल में एडिशन एडिशन वाला हम पंगा कोई भी नहीं है हमारे पास, कॉन्सेप्ट आपको समझ लग गया। तो 22.37 की जो डेप्रिसिएशन है वो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे गए और 22.37 की डेप्रिसिएशन जो है वो हमने यहाँ पे अपनी प्रोजेक्शन में डाल। आपको क्लियर हो गया ये टॉपिक? जब 22.37 की डेप्रिसिएशन डाल दी तो हमारे पास यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स कितनी वैल्यू के बचे? 185 के पहले थे नेट, 185 माइनस 22.37, तो ये बचे अपने पास 162.63। 31 दिन 22 की एंड में 162.63 बचे। अब 2023 की जब मैंने प्रोजेक्शन करनी है तो 162.63 पे 12.09% का एवरेज रेट लगाया, इसके ऊपर 12.09% का एवरेज रेट लगाया और 19.66 की डेप्रिसिएशन मेरे पास यहां पे निकल के आ गई, 19.66। तो मैं यहां पे लिख देता हूं साथ के साथ 19.6 अगले साल की प्रोजेक्शन डेप्रिसिएशन की। तो सिमिलर फ्लो में आपको आगे चलते जाना है। ये क्लियर हो गया आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन की प्रोजेक्शन कर ली, अब उसके बाद हमने देखना है कि इंटरेस्ट कॉस्ट की प्रोजेक्शन, इंटरेस्ट कॉस्ट की प्रोजेक्शन। तो चलिए इंटरेस्ट कॉस्ट की प्रोजेक्शन करते हैं। इंटरेस्ट कॉस्ट की प्रोजेक्शन कैसे करेंगे? अब देखिए हमारे पास पहले तो FY19, FY20, FY21 ये है और ये अपने पास इंटरेस्ट कॉस्ट है। इंटरेस्ट कॉस्ट है 18 की, 17 की और 16 की, ठीक है जी। अब ये इंटरेस्ट कॉस्ट मैंने वर्किंग कैपिटल लिमिट पे लिखी हुई है, वर्किंग कैपिटल लिमिट के ऊपर, ठीक है जी। तो इसमें टर्म लोन भी हो सकता है अगर मेरे पास बाइफरकेशन नहीं है तो। तो उसके बाद आपको सेकंड काम क्या करना है, सेकंड चीज में आपको बैलेंस शीट में जाना है, बैलेंस शीट में जाना है और बैलेंस शीट में जो इंटरेस्ट वाले लोन्स हैं, इंटरेस्ट वाले जो डेट हैं उनका टोटल यहां पे लिख लेना है, उनका टोटल यहां पे लिख लेना है। कैसे? ये देखिएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे गए पहले 2019 में। मैं एक जस्ट एग्जांपल के साथ आपको बता देता हूं। अब जैसे 245 ये जो सीसी लिमिट है 245 की है, ठीक है जी, ये एक इंटरेस्ट बेरिंग कॉस्ट है। तो 245 प्लस यहां पे नीचे ये इंटरेस्ट वाला नहीं है, प्लस टर्म लोन की इंस्टॉलमेंट्स जो एक साल में रीपे होनी है, ये आ गया 5.33 प्लस टर्म लोन की इंस्टॉलमेंट्स जो एक साल बाद पे होनी है 56.67 ये आ गए। ये तीनों आप लिख लीजिए और तीनों का टोटल लगा लीजिए, 245 प्लस 5.33 प्लस 56.67 ये आपके पास आ गया 307। ये आपके पास कितना आ गया? 307, ठीक है जी। सिमिलरली 2020 में आप प्लस कर लीजिए, यहां पे है 53.55 सॉरी यहां पे इसको नीचे पैरेंथेसिस में लिख देता हूं, 53.55 प्लस यहां पे नीचे तो कैपिटल वगैरह ही है, नीचे तो कुछ भी नहीं है, 6.44 प्लस 250 यहां पे है अपने पास 242 की लिमिट, ये रही, प्लस 8.92 प्लस 52.08 ठीक है, 52.08 ये अपने पास निकल के आ गया यहां पे। और इनका टोटल यहां पे लिख लीजिए, 53.55 प्लस 6.44 प्लस 250
ये अपना आ गया 310 अप्रॉक्सीमेटली, 309.99 आ रहा है। उसके बाद 242 प्लस 8.92 प्लस 52.68, ये अपने पास आ गया 303.6। ठीक है जी, तो अब उसी तरह से एक एवरेज इंटरेस्ट रेट निकाल लीजिए, एवरेज इंटरेस्ट रेट निकाल लीजिए। देखिए प्रैक्टिकली तो जब मैं काम खुद करता हूं ना, तो मेरे को इतनी कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती। ये मैं इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आपको एक अंदाजा लगना शुरू हो जाए कि मैं किस डायरेक्शन में सोच रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका आ गया 18 डिवाइड बाय 307 इंटू 100 5.86%, 17 डिवाइड बाय 310 इंटू 100 5.48%, उसके बाद आपका आ गया 16 डिवाइड बाय 303.6 इंटू 100, ये आपका आ गया 5.27%। अगर आप इन तीनों की एवरेज निकालेंगे, 5.86 प्लस 5.48 प्लस 5.27 डिवाइड बाय 3, ये आपके पास अराउंड 5.54% आ गया। देखिए इतने सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो लोन मार्केट में मिलते हैं नहीं। हो सकता है कि इसकी एक्सपोर्ट की टर्नओवर हो तो इसकी वजह से इसको कुछ सस्ता फंडिंग मिल गई हो, कि एक्सपोर्ट के पैसा तो 1-2% ब्याज पे ही मिल जाता है, 2% पे। तो ये इतने सस्ता तो होता नहीं है। जो मार्केट में जो बड़े क्लाइंट्स हैं उनके लिए नॉर्मली 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आजकल चल रहा है। जो थोड़े छोटे कस्टमर है 1-2 करोड़ की लिमिट्स वाले, उनके लिए 7.5-8%, 8.5-8% इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो मान लीजिए 7.5% का एवरेज इंटरेस्ट रेट है मार्केट का प्रेजेंटली प्रिवेलिंग, एवरेज इंटरेस्ट रेट मार्केट का 7.5% प्रिवेलिंग है। या आप अपने बैंक में काम कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि आपको अपने क्लाइंट को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करना है। तो अब FY22 में अंदाजा कैसे लगाएं? अब जो ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि जो ये लोन्स हैं इसके अंदर आपका वर्किंग कैपिटल वाला लोन भी है, वर्किंग कैपिटल वाले लोन्स भी हैं, और क्लाइंट के कुछ अदर लोन्स भी हैं जिनको आपको टेक ओवर नहीं करना या जिनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑटो लोन हो गया, कोई बिजनेस लोन, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन हो गया, इस तरह के लोन्स भी चल रहे हैं, तो वो भी इनमें इंक्लूडेड है। ठीक है जी, तो अब 2022 में आप इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे उठाएंगे? आपको सिंपल है, आपको पहले आपको देखना है कि आपकी प्रपोज्ड फंडिंग कितनी है, प्रपोज्ड फंडिंग कितनी है और उसकी बाइफर्केशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपनी सीसी लिमिट दे रहे हैं आप क्लाइंट को 100 की, टर्म लोन आप क्लाइंट को दे रहे हैं 50 लाख रुपए का, बैंक गारंटी आप क्लाइंट को दे रहे हैं 50 लाख रुपए की, एलसी दे रहे हैं आप 20 लाख रुपए की, उसके बाद आप क्लाइंट को फॉर एग्जाम्पल डीओडी लिमिट दे रहे हैं 10 लाख रुपए की। ठीक है जी, और क्या फैसिलिटी डाले इसके अंदर, फॉरवर्ड कवर दे रहे हैं, फॉरवर्ड कवर दे रहे हैं 20 लाख रुपए का, सॉरी कम कर देते हैं इसको, 5 लाख रुपए का। और क्या डालें इसके अलावा, आप डाल दीजिए इसके अंदर फैसिलिटी, यही ठीक है बस। आप ये चीज क्लाइंट को प्रपोज कर रहे हैं। ठीक है जी, अब इनका टोटल देखिए क्या बनता है, 200, 220, 230 और 235 का टोटल बनता है। आपको पता है कि आपने 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है या 7% देना है, मतलब एवरेज रेट मार्केट का 7.5% है, या 8% ले लीजिए, चलिए 7.5% ले लीजिए। ठीक है जी, अब आपको कॉस्ट प्रेजेंट करनी है। सबसे पहले तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो फंडिंग आप दे रहे हैं, जो भी फंडिंग आप दे रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि ये क्लाइंट 100% यूज करेगा। आप ये प्रज्यूम नहीं कर सकते प्रोजेक्शन में कि आप क्लाइंट इनको यूज ही नहीं करेगा, या इनको 90% यूज करेगा, या 80% यूज करेगा, 70% करेगा, आप ये मान ही नहीं सकते। आपको प्रोजेक्शंस में ये लेके चलना है कि ये 100 की 100% यूज होंगी। अगर 100 की लिमिट है तो 100 ही यूज करेगा, चाहे वो उसमें से 50 ही यूज करे एक्चुअली, पर आपको 100 का ही प्रज्यूम करना पड़ेगा कि 100 का 100 ही यूज करेगा। 50 का टर्म लोन है तो 50 का 50 ही यूज करेगा, बैंक गारंटी 50 की है तो 50 की 50 ही यूज करेगा, सिमिलरली एलसी डीओडी या फॉरवर्ड कवर। अब जो ये 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये तो फंड बेस्ड वाली लिमिट्स पे लगता है, जिनका आपने पैसा नगद में दिया हो। किस में दिया है? सीसी में नगद पैसा जाता है, टीएल में नगद पैसा जाता है, बैंक गारंटी में तो कोई नगद पैसा नहीं जाता, सिर्फ एक लेटर जाती है, एलसी में तो नगद पैसा नहीं जाता, डीओडी में नगद पैसा जाता है, फॉरवर्ड कवर में तो कोई नगद पैसा जाता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक आप ईपीसी भी ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट, वो भी ले लीजिए 15-20 लाख रुपए की ले लीजिए, कि आप 255 की फैसिलिटी दे रहे हैं। ठीक है जी, तो ईपीसी के ईपीसी का पैसा नगद जाता है, पर ईपीसी जो होती है ये फॉरेन वाली लिमिट है, इसके ऊपर कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगता 7.5%, इसके ऊपर लाइबर बेस्ड इंटरेस्ट ऑफ रेट लगता है, जो नटशेल में 2-3% ही होता है।
ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी प्रोजेक्शंस में क्लियर करना है कि आप कितना कॉस्ट डाल रहे हैं। तो सबसे पहले जो 7.5% आपने प्रज्यूम किया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप इसको 8 भी प्रज्यूम कर सकते हैं, 7 भी प्रज्यूम कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका बैंक कितना एवरेज इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है, या आप अपने सेल्स टीम से पूछ लीजिए कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है इस क्लाइंट को। ठीक है जी, तो मैं कहता हूं 100 प्लस 50 प्लस 10, ये हो गए 160। तो 160 के ऊपर 7.5% पूरे साल का। मैं ये लेना चाहूं तो मैं इसको इस तरह से भी ले सकता हूं कि मैं 3 महीने का मैंने 7.5 ले लिया, या अब दिसंबर में हम बैठे हैं, अगर मैंने ज्यादा ही एक्यूरेट करना है तो दिसंबर में बैठा हूं तो ये फैसिलिटीज मैं दिसंबर तक दे रहा हूं, तो नवंबर तक उसकी जो पुरानी फैसिलिटीज ले रखी थी उसने, मान लीजिए पहले उसकी सीसी लिमिट 50 थी, अब मैं 100 दे रहा हूं, तो पहले वाली नवंबर तक मैंने 50 के ऊपर रेट ले लिया अपना 8 महीने के हिसाब से, और दिसंबर ऑनवर्ड्स मैंने 100 के ऊपर ले लिया 4 महीने के हिसाब से। तो ऐसे भी कर सकता हूं, पर मैं इतनी चीजों में पढ़ना नहीं चाहता, इतनी कैलकुलेशंस में। तो 160 × 7.5% × 7.5% ये आपके पास आ गया 12। उसके बाद ईपीसी के ऊपर आप 3% मान लीजिए कि 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, तो ये हो गया आपका 20 के ऊपर 3% कितना बन गया आपका 0.6 ईपीसी के ऊपर लगेगा क्योंकि कमी होती है। बाकी जो ये बीजीएलसी फॉरवर्ड कवर है इनके इश्यूइंग चार्जेस होते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड कवर के तो बुकिंग चार्जेस होते हैं जो नेग्लिजिबल है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, पर जो बीजीएलसी होती है इनके इश्यूएंस चार्जेस होते हैं, तो नॉर्मली वो आप एक बार अपने सेल्स गाइड से पूछ लीजिएगा कि कितने लगते हैं, 1-2% ऑफ बीजी अमाउंट होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 2% का मैं हायर रेंज ले लेता हूं, तो 70 की ये लाइन है जैसे 50 प्लस 20 की, तो 70 के ऊपर 2% ये बनता है अपना 1.4। तो ये मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट हो गया 12 प्लस 0.6 प्लस 1.4, ये हो गया 14। ये तो वो वाले लोन्स हैं जो मेरे मैं दे रहा हूं, जो मैं एज अ बैंक दे रहा हूं उसको, जो मैं दे रहा हूं बैंक क्लाइंट को, उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट का खर्चा इसका होना चाहिए। ठीक है जी, तो उसके बाद जो उसके अदर लोन्स हैं, जो इसके अलावा जो उसके अदर लोन्स हैं, मान लीजिए कि आपने जो ये 303.6 था इसमें से 255 माइनस कर लिया फॉर एग्जांपल, तो आपका मान आपको पता है कि देखिए ये चीज मैं आपको अभी ऐसे समझा नहीं सकता कि उसके दूसरे लोन्स कितने हैं, आप जब केस एड्रेस कर रहे होंगे तो आपको जब आप जिस दिन आप देख रहे हैं, जैसे दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर में आप अपना क्लाइंट का केस देख रहे हैं, तो आपको उसके सिबिल वगैरह देख के उसका पता होता है कि आपके उसके पास और कौन से लोन चल रहे हैं, या आपको हो सकता है पता लग जाए कि उसने कोई नई गाड़ी का लोन लिया था, तो सिमिलरली जैसे डेप्रिसिएशन एडिशनल प्रोजेक्ट की थी तो उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट खर्चा भी प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो उस तरह से तो आपको जब भी आपको मान लीजिए कि क्लाइंट के अदर लोन्स पता है कि अगर इसके इनके अलावा उसके 50 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग और है, 50 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग और है फर्म का, जो फर्म के लोन्स हैं जो बुक्स में आए हैं, तो उनके ऊपर आपका जैसे एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 5.5% निकला था, तो ये तो बहुत ही कम निकल रहा है, तो आई डोंट नो कि चलो वो तो मेरी कैलकुलेशन का एरर है, इतना कम तो नहीं इंटरेस्ट कॉस्ट आना चाहिए। तो आप यहाँ इसके ऊपर जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग है इसके ऊपर भी आप 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके प्रोजेक्ट कर लीजिए। ये जो चीज है आपके अंदाजा लगाने के लिए है कि क्लाइंट कितने परसेंट से इंटरेस्ट पे कर रहा है नटशल में। ठीक है जी, पर आपको जब प्रोजेक्शन करनी है तो आपको जो अवेलेबल मार्केट रेट्स हैं उनके रेट्स के ऊपर ही प्रोजेक्शन करनी है। तो मान लीजिए 50 का आउटस्टैंडिंग और है तो 50 के ऊपर 7.5% ले लीजिए, ये आपका बन गया 3.75 का और, तो आपका 14 प्लस 3.75 17.75 का इंटरेस्ट कॉस्ट प्रोजेक्ट हो गया। यहां पे गए और यहां पे आप 17.75 डाल दीजिए, 17.75 आपने यहां पे इंटरेस्ट कॉस्ट अपने डाल दिया। ठीक है जी, उसके बाद अब हमने देखना है कि हम अब हमने प्रॉफिट अपना दिखाना है, तो यहां पे जैसे 7% चल रहा था रेट, तो 15-18 लाख के करीब प्रॉफिट दिखा रहा है, तो मैं यहां पे उसकी प्रॉफिट की फिगर को चेंज करके देखता हूं, तो मैं यहां पे 22 लाख का फॉर एग्जांपल प्रॉफिट दिखाता हूं, 22 लाख का प्रॉफिट दिखाता हूं यहां पे कि अराउंड 22 लाख का प्रॉफिट होगा, तो यहां पे इसका यहां पे प्रॉफिट आ गया। तो ये देखिए, अब ये वैसे मैंने लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में समझाना है, देखिए यहां पे इतना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, यहां पे मैंने प्रॉफिट नेट प्रॉफिट रेशियो कम कर दी 6.08, दैट मींस मैंने नेट प्रॉफिट कम कंसीडर किया है, तो मेरे को इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो यही सेटिंग मैंने कैसे करनी है ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखानी है, हाल फिलहाल मैं चलो ये सेटिंग कर देता हूं आपके सामने, इसको मैं एक बार 25 का कंसीडर करता हूं, 25 का कंसीडर किया तो 6.97 आ गया, तो मैं इसको थोड़ा और बढ़ा लेता हूं, इसको 27 का डाल के देखते हैं।
तो यहाँ पे देखिए मोटा मोटा 7.46% हम उसके आसपास ही पहुंच गए, 7.20% की एवरेज आ रही थी, तो 7.46%, तो ये टैक्स अपने आप कंप्लीट हो गया, तो इस तरह से हमने प्रॉफिट को भी सेट कर लिया। तो ये एक वे है, हमने हमने एक साल की प्रोजेक्शन करके देखी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। अभी इसको सेट नहीं किया हमने, सिर्फ नेट प्रॉफिट रेशियो को ही सेट करके दिखाया मैंने, इसको भी सेट नहीं किया, वो मैं तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा आइडली। तो अभी हम एक प्रोजेक्शन और करके देख लेते हैं एक साल की, वैसे तो आपको काफी क्लियर हो गया होगा, तो वैसे तो चलो कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है नेक्स्ट में भी। तो मैं वैसे आपको समझा देता हूँ एक चीज कि जब आप पहले साल की प्रोजेक्शन कर रहे हैं तो आपने तो 28% का टर्नओवर ग्रोथ ले लिया, क्योंकि आपको इस साल का ट्रेंड दिख रहा था, या क्लाइंट ने कुछ ऑर्डर्स दिखा दिए थे, या क्लाइंट की कोई प्रोजेक्शन थी, तो इस साल ले लिया। तो अब नेक्स्ट ईयर क्या करें, अब नेक्स्ट ईयर क्या कितना टर्नओवर प्रोजेक्शन कंसीडर करें? तो हमेशा याद रखिएगा कि जब नेक्स्ट ईयर की, चाहे आप इस साल की प्रोजेक्शन बनाएं, इस साल की बनाएं या इस साल की बनाएं, अगर आपके पास 2023 में कोई इस तरह की श्योरिटी नहीं है, तो आप एक एवरेज 10% प्रोजेक्शन का ग्रोथ लेके चले, 10 से 12% का इंक्रीज लेके चले, उससे ज्यादा का इंक्रीज बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि अगर आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं है तो आप सेम नहीं दिखा सकते। आप यहां पे ये नहीं दिखा सकते कि 225 और 25, फिर तो आप मैनेजमेंट को बता रहे हैं कि इसका बिजनेस ग्रो ही नहीं करेगा, ठीक है, तो फिर आप लोन ही क्यों दे रहे हैं अगर ग्रो ही नहीं करेगा? तो आप कम भी नहीं कर सकते प्रोजेक्शन, आप ये कम करेंगे तो आप बोलेंगे कि बिजनेस डाउन हो रहा है, तो मैनेजमेंट बोलेगी कि आप लोन ही क्यों दे रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली सेल्स उसकी बढ़ानी पड़ेगी। तो आप 10% का ही मार्जिन लेके चले कि 10% सेल्स बढ़ जाएगी, तो 10% में अगर मैं यहाँ पे बढ़ाऊं तो यहाँ पे 247, तो यहाँ पे 27, तो या 28 ले लेते हैं, तो ये 10% के करीब यहाँ पे ग्रोथ प्रोजेक्शन आप ले लीजिए सिंपल, ठीक है। तो 275 की टोटल हो गई, तो 10% की मैंने ग्रोथ प्रोजेक्शन यहाँ पे इसको डाल दिया। अब देखिए 10% का ग्रोथ प्रोजेक्शन का एक और लॉजिक भी कई लोग बोलते हैं कि देखिए अगर फिनिश्ड गुड्स हम क्लाइंट की बेच रहे हैं तो इन्फ्लेशन रेट ही 10% का रहता है मार्केट के अंदर, कि फिनिश्ड गुड्स के अगर उसने अगर 100 यूनिट बेच रहा है 250 रुपए के, तो कल को उसका 100 यूनिट का प्राइस 10% तो बढ़ ही जाएगा। अगर बेचेगा वो 100 यूनिट ही इस साल भी, तो 10% प्राइस तो मिनिमम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो उसका 10% सेल तो वैसे ही बढ़ा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो प्राइस का फ्लक्चुएशन आपने तो आप उस तरह से भी जस्टिफाई कर सकते हैं, तो इससे 10% से या 12% से ज्यादा प्रोजेक्शन आइडियली मत कंसीडर कीजिए, अनलेस अंटिल बहुत ज्यादा नेसेसिटी हो इस चीज की। तो उसके बाद ये जो प्रोजेक्शन है ये आपकी सेम रहने वाली है, सेम तरीके से 1.88 डिवाइड बाय, मैं प्रोजेक्शन के ऊपर नहीं लूंगा, मैं जो रिजल्ट आ चुके हैं अपनी कैलकुलेशन तो उसी के ऊपर ही रखूंगा, सॉरी 1.88 डिवाइड बाय 20, जो रिजल्ट्स आ चुके हैं कैलकुलेशंस मैंने उसी के ऊपर ही बनानी है, ये ध्यान रखिएगा, पिछले के ऊपर नहीं, ठीक है। सॉरी 1.88 की सेल्स की 20, सॉरी 1.5 का इसने किया जनरेट 220 के ऊपर, तो 28 के ऊपर कितना करेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शंस तो आप सिमिलरली उठा ही लेंगे, यहाँ पे ये प्रोजेक्शंस भी आप ले लेंगे, उसके बाद ये प्रोजेक्शन भी आप सिमिलर तरीके से उठा लेंगे, इनको भी सिमिलर तरीके से आप पिक कर लेंगे, ये हर साल ऐसे ही करते जाना है आपने, चाहे 5 साल की प्रोजेक्शन बनानी हो तो ये भी ऐसे ही पिक कर लेंगे। डेप्रिसिएशन मैंने आपको प्रोजेक्ट करके दिखाई थी कि डेप्रिसिएशन को कैसे प्रोजेक्ट करना है, ये स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स मैंने आपको बताया कि आपको इन्वेंट्री साइकिल के साथ इनलाइन रखना पड़ेगा, जैसे अपने नेट प्रॉफिट रेशियो को अभी मैंने आपको इनलाइन करके दिखाया, इसको भी आपको इनलाइन इन नंबर ऑफ साइकिल्स आपको रखना पड़ेगा, वो आपको मैं बाद में जब बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करेंगे तब सिखाऊंगा। उसके बाद आपका पर्सनल कॉस्ट आ गया, सिमिलर पिक हो जाएगा, ये भी सिमिलर पिक हो जाएगा, इसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन जो भी रखना होगा अपना, चाहे आप अपना 33 का रखिए, 35 का रखिए, आपको उसी हिसाब से रखना पड़ेगा प्रॉफिट मार्जिन, जिस हिसाब से आपको परसेंटेज सेट करनी है, ठीक है जी। अब उसके बाद आपका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का बर्डन आपको कैलकुलेट करना है, वो मैं आपको सिखाता हूँ, ये आपको समझ ही गए, सेम लॉजिक इस साल भी सेम लॉजिक ही लगेगा, मैं इसको 0.53 ही प्रोजेक्ट कर दूंगा सिंपल, इनको प्रोजेक्ट नहीं करूंगा, इनको भी नहीं करूंगा। तो यहां पे मैंने जैसे यहां पे ये लगा देते हैं इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला, तो ये 8.29% थोड़ा ज्यादा पिक हो गया है, इसको थोड़ा कम कर देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप इतना ज्यादा हाई प्रॉफिट नहीं दिखा सकते अनलेस आपके पास जस्टिफिकेशन हो कि इतना हाई प्रॉफिट कैसे कमाएगा वो बिजनेस में, ठीक है। अब जो मैंने इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल कंप्यूट किया, इसके अंदर मैंने जो ये आपको कैलकुलेशन समझाई, तो ये इनके अंदर सारा कुछ ही आ गया था, टर्म लोन्स वगैरह भी आ गए थे, तो टर्म लोन्स की कोई अलग कैलकुलेशन बनाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप आपका इंटरेस्ट ऑन टू पार्टनर्स डायरेक्टर्स होता है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते होते हैं हम लोग, तो उसका भी आप सिमिलर करते,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेते, यहां पे कैपिटल फिगर लिख लेते और कैपिटल फिगर के ऊपर एवरेज रेट निकाल लेते, तो वही एवरेज रेट लगा देते। इसके ऊपर आपको अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड है, अगर उसमें लिखा हुआ है कि 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, तो आप जो आपके पास यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल है 2021 की जो कैपिटल का बैलेंस है उसके ऊपर 12% लगा दीजिए, तो वो तब भी आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो एवरेज ना ही निकाले तो अच्छा है, तो 2021 की क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दें तो वो आपका 2022 का आ जाएगा। ऐसे सम होएगा ये देखिए, मेरे को लग रहा है आपको शायद क्लियर नहीं हुआ। अब मान लीजिए ये पार्टनर्स की कैपिटल है, सॉरी ये पार्टनर्स की कैपिटल है तो 5 करोड़ की है फॉर एग्जांपल, तो 5 करोड़ की जो 31/21 को क्लोजिंग कैपिटल है, तो 31/22 की ओपनिंग कैपिटल है, तो पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को, तो बस 5 करोड़ के ऊपर 12% लगाइए और 2022 में उसको प्रोजेक्ट कर लीजिए। तो उसके बाद अगर आपको ये लगता है कि उसकी कैपिटल बिजनेस में वापस हो गई है, कोई पार्टनर, अब मान लीजिए मैं एक सर्कमस्टांस आपसे डिस्कस करता हूँ कि 5 करोड़ की कैपिटल थी, 3 पार्टनर थे, तो उनमें से 2 पार्टनर्स ने 2-2 करोड़ रुपए लगाए हैं, एक ने 1 करोड़ रुपया लगाया है, तो जो 1 करोड़ वाला बंदा है वो रिटायर हो गया है, ठीक है, तो उसको उसका पे बैक कर दिया, तो अब कैपिटल कितनी बचेगी 2022 में, 4 करोड़ की बचेगी ना, एक बंदे को तो वापस कर दी हमने 1 करोड़ रुपए की, तो फिर 4 करोड़ के ऊपर लीजिए 12% अगर आपके साथ कोई ऐसा सर्कमस्टांस है तो, ठीक है जी। तो सिमिलरली अनसिक्योर्ड लोन्स जो फैमिली फ्रेंड से लिए होते हैं क्वासी इक्विटी वाले, वो भी आपके यहीं पे आ रहे होते हैं क्वासी इक्विटी वाले, ये वाले, इनके ऊपर भी आपको एवरेज रेट निकाल के, या अगर इनके ऊपर आपके पास कहीं रिटर्न में लिखा नहीं होता कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, जैसे पार्टनरशिप डीड में तो पार्टनर्स का लिखा होता है, बैंक का जो इंटरेस्ट है वो आपको वैसे ही पता होता है, इनका लिखा नहीं होता कहीं पे भी, तो इनका आप लिखा नहीं होता तो इसका आप एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए, इसी तरीके से एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए और उसके हिसाब से प्रोजेक्ट कर दीजिए। तो अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट ईयर का कंप्यूट करना है, तो नेक्स्ट ईयर का भी कंप्यूट करना सिंपल है, 2023 का अगर आपने प्रोजेक्शन कंप्यूट करना है, ये तो आपका सेम ही रहेगा, ये आप 100% यूटिलाइजेशन मान के ये जो आपने कंप्यूट किया था ये तो आपका सेम ही रहेगा, तो ये आपने कंप्यूट कर लिया था यहाँ पे कुल मिला के 12.12 का ये कर लिया था 0.6 एंड 1.4, ये 14 का आपने प्रोजेक्ट किया था, तो यहाँ पे जो 3.75 है इसके अंदर बस आपका एक चेंज आ सकता है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो आपने 17.75 लिया था इसको 17.75 को 17.75 भी ले सकते हैं, ठीक है। पर अगर आप थोड़ा एक्यूरेसी पे जाना चाहते हैं तो आप ये को ये पता होगा कि जो ये टर्म लोन है इसका कुछ पोर्शन पे हो गया होगा, ये DoD है इसका कुछ पोर्शन पे हो गया होगा, अगर जो ये 50 लाख आउटस्टैंडिंग था, अगर ये टर्म लोन्स का ही था जैसे ऑटो लोन्स वगैरह या अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन्स, अगर ये वाला था इसका भी कुछ पोर्शन पे हो गया होगा, तो जो ये 7.5% आपने कंप्यूट किया था 50 पे 10 पे 50 पे, तो उसको आप उसकी लेटेस्ट वैल्यू पे कंप्यूट कर लीजिए, जो जितना पे हो गया उसके बैलेंस वाली वैल्यू पे, तो उसको आप कंसीडर कर लेंगे तो आपकी थोड़ा सा इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होगी टर्म लोन की वजह से यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी, से यहाँ पे 17.5% हो जाएगी। अगर मान लीजिए ये कोई ड्रॉप आपका कोई लोन है इसमें से, जैसे BG तो कॉन्स्टेंट चलती रहती है, ये भी कॉन्स्टेंट चलती है, ये भी कॉन्स्टेंट चलता है, ये भी कॉन्स्टेंट चलती है, ये भी कॉन्स्टेंट चलती है, ठीक है, ये सिर्फ कम होते रहते हैं टाइम के साथ साथ, ये कम होते रहते हैं, ठीक है, जो टर्म लोन्स होते हैं। तो अगर ऐसी कोई फंडिंग कम होने वाली आपके पास नहीं है, फिर तो आपके पास ये सारी सेम ही इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी आगे आने वाले टाइम पे। अगर कोई कम होने वाले हैं तो आप थोड़ी बहुत इंटरेस्ट कॉस्ट कम करते रहिए, आप कैलकुलेशन में जाना चाहते हैं परसेंटेज वाइज तो कैलकुलेशन में चल जाइए, नहीं तो आप 10-20 पैसे 30-40 पैसे थोड़ा थोड़ा कम करते रहिए अगर आपका बड़ा लोन नहीं है, तो नहीं तो थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 50 लाख है तो आप इसका लेटेस्ट बैलेंस देख लीजिए कि लेटेस्ट बैलेंस कितना है, इसका लेटेस्ट देख लीजिए, इसका लेटेस्ट देख लीजिए, तो उसके हिसाब से 7.5% उस लेटेस्ट बैलेंस में लगा लीजिए, जो बाकी है उनका मैंने आपको समझा ही था कि कैसे कंप्यूट करना है जो कॉन्स्टेंट वाले, उसके हिसाब से जो भी आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट बन के आएगी उसके हिसाब से यहाँ पे उसको डाल दीजिए कैलकुलेट करके, तो इस तरह से आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की ये वाली प्रोजेक्शंस भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो अभी तो आपको प्रोजेक्शंस करनी प्रॉफिट एंड लॉस की मोटा मोटा समझ में आ गई होंगी कि किस हिसाब से प्रोजेक्शंस करनी है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको मैं इनको सेट करनी सिखाऊंगा, आपको कुछ रेशियोस सिखाऊंगा और इनको सेट कैसे करना है वो सिखाऊंगा। तो आई होप आपने इंजॉय किया होगा इस लेक्चर को, तो बीच में मैं कोशिश करके वेडनेसडे के अराउंड आपको कोई स्मॉल वीडियो भी डालूंगा कोई 4-5 मिनट की, जिसके अंदर ऐसे ही आपको कुछ समझ में, मतलब ऐसी जो चीज़ मैं पहले नया बताई हो तो कोई कैजुअल सी चीज़ आपको पढ़ने को समझने को मिल जाए। तो उम्मीद है कि शायद मैं एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट की एलिजिबिलिटी का कैलकुलेटर बनाना सिखाऊंगा आपको, तो वर्क कर रहा हूँ मैं उसके ऊपर, तो सोचता हूँ कि शायद वही बना दूँ। तो बाकी हम नेक्स्ट संडे मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे, आपने एंजॉय किया होगा, थैंक यू, गुड बाय।